योगी वो है जो करता है त्याग सब विकारों का निंदा स्तुति हानि और लाभ एक समान वो रहता है योगी प्रभु का प्यारा है ओम शन वैसे तो हम सबका लक्ष्य है बाप समान बनना जिसको दूसरे शब्द में कहा जाता है कर्मातित बनना लेकिन बाप समान बनना या कर्मातित बनना इसका आधार है योग जब से हम ब्राह्मण बने हैं तब से लेकर के जितना हमारी बुद्धि बाबा के तरफ लगी रहते हैं चाहे कर्म योगी, चाहे बैठकर के योग करते हैं उस योग के आधार से हम कर्मातीत या बाप समान बन सकते हैं क्योंकि योग के द्वारा हमें जो एक सुख मिलता है जिस सुख के लिए आत्मा जन्म जन्मत्र के लिए प्यासी या भूखी थी उसकी जब प्यास बुझने लगती है तब आत्मा की मन और बुद्धि का भटकना बंद हो जाता है और जब मन और बुद्धि का भटकना बंद हो जाता है तब दिन प्रतिदिन आत्मा की शक्तियां जमा होती है और आत्मा की ज्योति जागृत होती है और उसको ही कहा जाता है आत्मा विमानी स्थिति या रूप स्थिति वो धीरे धीरे बनती जाती है और जब हमारी आत्मा की ज्योति जागृत रहते हैं कर्मातीत अवस्था आते हैं वैसे वैसे हमारे जीवन में सदगुण आना प्रारंभ हो जाता है अर्थात उस आत्मा में सहनशीलता नम्रता मधुरता धैर्यता ये गुण भी धीरे धीरे दिखाई पड़ते हैं उसके व्यवहार में तो ये सब का आधार है योग योग के द्वारा हमारे जीवन में सदगुण आते हैं कर्मातीत बनते हैं हमें सुख मिलता है इसीलिए बाबा हर मुरली में कहते हैं बच्चे योग लगाओ वैसे तो योग की महिमा तो अपरंपार है योग के द्वारा ही हम कर्मेंद्रीय जीत बन सकते हैं लेकिन सभी तो चाहते हैं कि मेरा मेरी बुद्धि सदा बाबा के तरफ रहे सदा हम योग लगाते रहे चाहे हम कर्मयोगी बने योग हमारा ना टूटे रोज हम लक्ष्य रखते हैं रात को सोने के पहले सोचते कि आज तो दिन अच्छा नहीं गया लेकिन कल हम अच्छा पुरुषार्थ करेंगे अच्छा योग लगाएंगे सवेरे उठते ही तो भी लक्ष्य रखते हैं लेकिन जब प्रैक्टिकल में व्यवहार में जाते हैं तो कई बातें आते हैं जिस कारण जो लक्ष्य रखा था कर्म में हम योगयुक्त रहेंगे वो लक्ष्य और चला जाता है और जिसका परिणाम फिर जब शाम को योग का अभ्यास करते हैं या वाला योग का अभ्यास करते हैं उस योग में भी इतनी अच्छी सफलता नहीं मिलती और ऐसे हमारे संगम का दिन प्रतिदिन बीतता जाता है तो इसीलिए हमें कर्मातीत बनने के लिए जो योग में विघ्न आते हैं उस विघ्नों को जानना होगा और उस विघ्नों का निवारण भी करना होगा तब जाकर के समय पर हम कर्मातीत भी बन सके और जो संगमयुग का जो आनंद है संगम युग तो सतयुग से भी ऊंचा जन्म कहा जाता है उस ऊंचे जन्म का आनंद ले सकेगी अन्यथा हमारा विघ्नों में ही ऐसा संगमयुग युद्ध में ही बीतता जाएगा जो योगी जीवन का जो आनंद है वो ले नहीं पाएंगे तो कौन से कौन से विघ्न हमारे योग के अंदर आते हैं उस विघ्नों को हमें जानना है वैसे तो बाबा ने तो मुरलियों के द्वारा इसके सब जवाब दिए हैं फिर भी हमें उसको देखना है कि किस प्रकार के जो वर्तमान समय विघ्न आ रहे और उस विघ्नों का कारण और निवारण कैसे करें क्योंकि जब विघ्न आते हैं तो ढीले ढेले धीरे धीरे हम क्या होते हैं पुरुषार्थ में ढीले पड़ जाते हैं पुरुषार्थहीन बन जाते हैं तो सबसे पहला विघ्न जो वर्तमान समय सभी ब्राह्मणों की तरफ चाहे गृहस्थ में रहते हैं चाहे सभी जो ब्राह्मण है हर एक को ये विघन जरूर आता है वो है संघर्ष या जिसको दूसरा नाम है टकराव संघर्ष या टकराव या कोई भी विघन जो विघन हमारी एकाग्रता भंग करता है हमारी अंतर्मुक्ता भंग करता है जिसके कारण बुद्धि का योग बाबा से टूट जाता है इसको कहा जाता है विघन तो इस संघर्ष से या टकराव के विघन से हम कैसे बचे भले टकराव भी आते रहे संघर्ष से भी आता रहे लेकिन उसके बाद भी हमारी वो अंतर्मुक्ता न टूटे हमारी वो एकाग्रता बनी रहे उसके लिए हम क्या करें क्योंकि ये नहीं सोचते कि चलो बरसात आ रही इसलिए बरसात में जाना ही बंद कर दे उसके लिए हम कुछ लग कुछ क्या करते प्रबंध तो करते हैं। सर्दी लगते है तो प्रबंध तो कर लेते हैं तो इसी तरह विघ्नों का भी हमें क्या करना है जो भी कुछ विघ्न आते हैं उसका प्रबंध भी करना है क्योंकि विघ्न हमारे कर्माती के रास्ते में एक बाधा या रोड है इसको हमें निकालते हुए क्या करना अपने समय पर मंजिल तक पहुंचना है जैसे कोई मंजिल में जाते हैं तो कई बातें आती है उन बा, उन बातों को देखते हुए हम मंजिल में जाना नहीं छोड़ते हैं। तो इसी तरह ये बातें आएंगी संघर्ष आएंगे टकराव आएंगे लेकिन उसमें भी हमें क्या करना है बच करके चलना है तो कई कई बार हम सोचते कि चलो हम तो खुद तो टकराते नहीं है लेकिन हम तो अपने रास्ते में ठीक चल रहे हैं फिर भी हमें कोई अगर कोई संघर्ष करता है कि क्या करता है उस समय हम उसको सोच सोच करके क्या करते हैं जिसको बाबा ने आज भी कहा था समस्या समस्या आएंगी लेकिन ऊंची उडान करेंगे तो समस्या भी क्या हो जाएगी छोटी हो जाएगी वर्तमान समय हर ब्राह्मणों में कोई ना कोई चाहे लौकिक में चाहे अलौकिक में कोई ना कोई संघर्ष या टकराव के कारण उनकी अंतर्मुक्ता खत्म होती जा रहे है और जिसके कारण अंतर्मुक्ता के बजाय उसी संघर्ष की बातों का चिंतन और जिसके कारण मुक्त होने के कारण जो योग का आनंद लेना चाहिए वो आनंद नहीं आता जाने तो इसीलिए संघर्षमय स्थिति इस में हम करें क्या या टकराव के समय हम क्या करें और टकराव होने का एक ही कारण है हमारे अंदर गुणों की कमी हम दूसरों को दोषी नहीं बना सकते कि भी इसके कारण ऐसा होता है हम अपने अंदर के गुणों को बढ़ाना है संघर्ष या टकराव से बचने के लिए सहन शक्ति का गुण लेकिन कईयों को लगता है सहन भी हम कब तक करें सहन करने की भी कोई एक सीमा होती है सहन करने की कोई सीमा नहीं अंत तक हम सहन करें सहन करने के लिए भी धैर्यता हो कहते हैं धैर्यता का फल बड़ा मीठा होता है सहन करने के लिए भी धैर्यता जितना हम धैर्यता से सहन करते रहते हैं सहन शक्ति को बढ़ाते रहते हैं उतना हमारा वो संघर्ष खत्म होता जाता है जितना हम सहन शक्ति का गुण धारण करते रहेंगे उस आत्मा में जिससे हमारा टकराव होता है या संघर्ष होता है धीरे धीरे परिवर्तन जरूर होगा अगर धैर्यता को हम समाप्त करेंगे तो आज तक जितना सहन किया वो सब उबल आएगा बाहर निकल जाएगा उसे और संघर्ष बढ़ते जाएंगे इससे और विघन बढ़ते जाते हैं इसीलिए हमें सहन शक्ति और धैर्यता ये दो गुणों को अगर बढ़ाते हैं तो हो सकता है संघर्ष से, से हम बच सकते हैं और अंतर्मुखी हो सकते हैं भले हमारी गलती नहीं है तो भी जैसे अगर कोई कार वाला गाड़ी लेके कार लेके जा रहे रोड पर आप तो अपने रास्ते में जा रहे हैं और किसी ने आकर के कार को ठोक दी मार दी आप कहेंगे गलती मेरी नहीं लेकिन हो तो गए दुर, दुर्घटनाग्रस्त कार ने आकर ने, इसी तरह अगर हम अपने रास्ते में चलते भी है ठीक अगर किसी ने जाने अनजाने कुछ टकराव भी किया तो उसके लिए हमें क्या करना है सहन शक्ति को बढ़ाना है और आगे चलकर के बातें काफी आएंगी क्योंकि अनेक जन्म जन्मांतर का हमारा हिसाब किताब है इसीलिए संघर्ष से या टकराव से हमें बचना है अन्यथा ये बातें हमें बाबा से काफी दूर लेके जाएगी हम सोचते रहेंगे इसका कोई इलाज निकाले किसी औरों को सुनाते लेकिन यह बढ़ती जाती है बढ़ती जाते विघ्न इसे काफी हम बाबा से भी दूर कर्माती स्थिति से भी दूर अगर यह दोष गुण नहीं है धैर्यता और सहनशीलता तो बाकी भी जो गुण हमारे अंदर है वो भी खत्म अशांत होती जाएंगे एकाग्रता खत्म होती जाएंगी अंतर्मुखता खत्म होती जाएंगी सभी गुण खत्म इसीलिए बाबा कहते हैं ये सहन शक्ति का गुण सभी गुणों का फाउंडेशन है अगर इस गुण को हम बढ़ाएंगे उतना हम इससे बच सकते हैं और वर्तमान समय हर ब्राह्मणों की यही कंप्लेन है कि मेरा योग नहीं लगता हरे कहेंगे मेरा योग नहीं लगता योग में माया आते माया आते मतलब क्या आता है माया आते आता सारा दिन किसी के साथ जो टकरा हुआ है या संघर्ष हुआ है वही बातें संकल्प के रूप में चलती है जो सोमानों की नशा जो ज्ञान की नशा कौन मिला है मैं कौन हूं इसकी नशा खत्म इसीलिए सारा दिन हम इस माया से बचे रहें क्योंकि हिसाब किताब तो देना है चाहे वो सहन करके दे चाहे तो फिर संघर्ष करके देना ये जैसे किसी का कर्जा होता है तो कर्जा कैसे देते हैं उसको देना पड़ता है अगर कोई कर्जा लेने के लिए आए और उसको हम वापिस कर दे वो छोड़ेगा क्या वो जाकर के पुलिस में एक कचरे में अपनी शिकायत नोन करेगा मेरा इन्होंने कर्जा मेरा पैसा लिया वापिस नहीं दिया तो इसी तरह इस संघर्ष भी क्यों हो रहे हैं क्योंकि हमें बाबा क्या कर रहे कर्मातीत बना करके सबके हिसाब किताब चुक्त करके वापिस ले लेके जा रहे हैं तो अगर कोई बातें आते हैं उसको सहन करके चुप्त करे सहन करने से भी हमारे हिसाब किताब चुप्त होते हैं अन्यथा फिर वो व्यक्ति धर्मराजपुरी में अपनी केस नोंद करेगा और धर्मराज के दंडे से वो हमें चुप्त करना पड़ेगा बाबा कहते हैं एक तो योग लगाओ इतना योग लगाओ जो हिसाब किताब हमें आएंगे नहीं संघर्ष आएंगे नहीं जो अच्छी तरह योग लगाते जो भी जितना भी टाइम मिलता रहता है उसमें योग करते रहते उनके जो ऐसे कई जन्मों के जो आन... हिसाब किताब बने हैं वो चुक्त तो हो जाते इसीलिए हमें जो ऐसा टाइम मिलता है चाहे अमृत वेला का समय या जब भी प्रिय ऐसे समय पर हमें एक्स्ट्रा योग करना है उस योग से भी हमारे विकर्म विनाश होते अन्यथा फिर सहन करके भी चुक्त करना है इसीलिए संघर्ष से हम बचे रहे इसके लिए सहन शक्ति को हमें क्या करना है बढ़ाना है ये सोचो कि जब भी सवेरे हम निकलते हैं घर से ये सोचो कि आज न जाने पता नहीं किसका किसका कर्जा उतरना है मुझे आज कौन कौन आएगा पता नहीं तो मुझे क्या करना है उनका कर्जा देना है तो जब भी कर्जा देते हैं या कुछ बातें आते हैं उसमें हमें हल्के रहना है जब हल्के रहते हैं सारा दिन उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचते तब जाकर के जब योग अभ्यास में बैठेंगे योग का अभ्यास करेंगे उसमें बहुत अच्छा अंतर्मुखी बन करके जिस सोमान का अभ्यास करना चाहते जिस स्थिति का अभ्यास करना चाहते जितना समय तक हम परमधाम में बैठना चाहते वो बैठ सकते उसकी अनुभूति कर सकते हैं तो इसलिए संघर्ष से से हम बचे रहे दूसरी बात है दूसरा विघन है आलोचना या जिसको कहते निंदा आजकल ये भी बहुत बड़ा विघन ब्राह्मणों में चलता रहता है आलोचना या निंदा अभी गीत सुना ना गीत में था योगी वही है जो निंदा स्तुति से दूर रहता है ये निंदा ये स्तुति आलोचना होती रहेगी जब आप इस मार्ग में चलते रहेंगे बातें आती रहेंगी और वैसे ही देखा जाए निंदा या स्तुति या निंदा तो हमारे लिए पुरुषार्थ में एक खाद का काम करते हैं जैसे गुलाब का फूल गुलाब का जो फूल होता है रोही गुलाब राजा होता है लेकिन वो राजा बनने के लिए उसके जड़ में कितना सारा खाद डाला जाता है और खाद के अंदर क्या होता है बहुत सारी बदबू होती है उसको राजा बनने के लिए क्या क्या करना पड़ा वो बोलता है कि मैं तो गुलाब का फूलों का राजा हूं तो मेरे नीचे क्या करो अच्छी सुगंध डालो बोलता है वो दुर्गंध जब लेता है तब जाकर के राजा बनता है इसी तरह संगम युग में यह निंदा या आलोचना होती रहेगी लेकिन अगर आलोचना हम सुनने में सुन करके सोचते रहते हैं और उसका ही चिंतन करते हैं तो ये एक प्रकार का विघ्न बन जाता है इसीलिए आलोचना में रहते हुए भी निंदा स्तुति सुनते हुए भी इसके बारे में ना सोचे क्योंकि जब हमारी कोई महिमा भी करता है हम कभी क्या होता है महिमा सुनने के लिए अतु रहते हैं लेकिन कोई आलोचना करता है निंदा करता है वो सुन नहीं पाते वैसे तो कहते हैं महिमा हमें सुलाती है और आलोचना क्या करते हैं जगाते हैं अगर कोई आलोचना करता है बुराई करता है तो भी हमें क्या करना है उसको उस सुन करके अपने आप में परिवर्तन करना है अन्यथा जो आलोचना वाले शब्द हमने सुने हैं निगेटिव रूप में लिए हैं और जब योग का अभ्यास करेंगे वही शब्द हमें चुभेंगे वही हमें भाई मुक्ता की तरफ लेके जाते हैं आखिर उसने मुझे ऐसा क्यों बोला हा? मेरे बारे में उसने ऐसा ऐसा क्यों कहा फिर कहेंगे कोई बात नहीं मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं फिर कहेंगे मेरे को ही क्यों कहा ना? मैं भी जाकर के उसको ऐसे शब्द बोलूंगा फिर कहेंगे कोई बात नहीं मैं आत्मा हूं शांत स्वरूप हूं तो ऐसा ही हमारा क्या होता है योग में संघर्ष चलता रहता है और जिसके कारण बुद्धि जो बाबा के साथ रहनी चाहिए उसके बजाय बार बार बुद्धि नीचे आते और योग का हम अनुभव नहीं कर पाते इसीलिए आलोचना निंदा इसे हमें क्या करना है इसमें समान रहना है इसमें भी असोच बनना है तब जाकर के योग में हम एकाग्र चित्त बैठ करके आत्मचिंतन परमात्मा चिंतन कर सकते हैं तब योग का हम अच्छी तरह सुख ले सकते हैं यह भी बहुत बड़ा एक विघ्न है योग के अंदर तीसरी बात है जो योग के अंदर जो विघ्न रूप में है परचिंतन परचिंतन परदर्शन अवगुण दर्शन ये भी यो, योग में बहुत बड़ा एक विघ्न है अगर सारा दिन हम औरों का ही चिंतन करते रहेंगे तो योग में बैठ करके योग का आनंद नहीं ले पाएंगे इसीलिए परदर्शन के बजाय सोचिंतन अगर हम परदर्शन करते या पर चिंतन करते इसका मतलब हमने ड्रामा को अच्छी तरह नहीं समझा जिन्होंने ड्रामा को अच्छी तरह समझा है ये जो बाबा ने खेल रचा है ये खेल बड़ा एक्यूरेट चल रहा है मालिक बाबा है हम मालिक नहीं है लेकिन हम कोई ऐसी बातें देखते हैं या सुनते हैं या कोई सुनाता है वो बातें अंदर ले लेते हैं अंदर लेने के बाद फिर उसका चिंतन चलता रहता है और जिसके कारण हम जो मुरली सुनी उसका चिंतन नहीं चलता फिर जो मुरली सुनी उनका चिंतन नहीं चलेगा या जो हमने लक्ष्य लिया है इस सोमानों का उसका चिंतन नहीं चलेगा तो इसीलिए इस बात से भी हमें बचे बचना है पर दर्शन या पर चिंतन ऐसे के अगर हमें कोई ऐसी बातें सुनाता है कोशिश करके उसके संग से हमें दूर रहना है अगर कोई सुनाता भी तो वहां से बाबा कहते क्या करो निकल जाऊं पर चिंतन सुनाने वाला हमारा दुश्मन है क्योंकि एक बार कान में वो बात गई तो उसका चिंतन शुरू हो जाता है और जिसके कारण ना हम कर्मयोगी बन सकते हैं ना फिर बैठ करके जब योग करते उस योग में बुद्धि ऊपर नहीं जाएगी इसीलिए हमें परदर्शन को क्या करना है छोड़ना है क्योंकि परदर्शन परदर्शन अर्थात जिसका हम चिंतन कर रहे हैं उसका हमें दर्शन हो रहा है क्योंकि चिंतन अंदर उसका हो रहा है तो इसीलिए दर्शन भी उसका हो रहा है वो योग नहीं है वो बाबा का दर्शन कैसा करेगा इसीलिए अंदर से क्या करना है ज्ञान का चिंतन आत्मचिंतन परमात्मा चिंतन करने से वही दर्शन होता रहेगा जिसको कहते कर्म योगी इसीलिए जो कुछ बातें चल रही हैं ड्रामा अनुसार एक्यूरेट चल रहे हैं, हैं। इसीलिए बाबा कहते ना निश्चय चाहिए किसका ड्रामा के ऊपर निश्चय स्वयं के ऊपर निश्चय बाबा के ऊपर निश्चय और ब्राह्मण परिवार के ऊपर भी निश्चय जिनको चुना है वो तो सचमुच देवता बनने वाले हैं। इसीलिए तो बाबा ने चुना हुआ है लेकिन हम कभी कभी किसी को देख करके सोचते हैं ये पता नहीं ऐसा क्यों करता है इसके अंदर तो ऐसे नहीं, ये ऐसा करता है वैसा करता है ऐसी बातें क्यों हो रही तो इस तरह से इन बातों से हमारी अंतर्मुखता खत्म हो जाते हैं, अलौकिकता खत्म हो जाते हैं इसीलिए कई भाई बहनों का ये अनुभव कहते कि जब हम पहले ज्ञान में आए थे जब ज्ञान में आए थे तो हमारा योग बहुत अच्छा लगता था लेकिन अभी पता नहीं क्या हो गया है हमारा योग लगता ही नहीं जब हम आए थे तो योग क्यों लगता था क्योंकि जब हम आए थे हमें केवल एक बाबा का ज्ञान पता था और कुछ भी पता नहीं था लेकिन धीरे धीरे जब हम इस ज्ञान में आए बहनों के संपर्क में आए भाई बहनों के संपर्क में आए उनके बातें पता चलने लगी तो फिर बाद में उस ज्ञान के चिंतन के बजाय उन भाई बहनों को देखना शुरू किया उनके उनकी बातों को देखना शुरू किया और उसका चिंतन शुरू किया जब ये चिंतन शुरू हो गया तो बाबा का चिंतन बंद हो गया इसीलिए बाबा कहते ना बचपन के दिन बुलाना ना देना इसीलिए हमें कोशिश करके एक बाबा को देखना है और जो कुछ बातें चल रहे हैं मालिक बैठा है दुनिया उसको रचना है तो मुझे जो काम दिया है मुझे वो काम करना है मुझे तो कोई औरों को देखने का काम नहीं दिया है वो कौन क्या कर रहा है वो क्या कर रहा है वो काम नहीं दिया है मुझे जो स्वयं को काम दिया है वो करना है और जब हम वो करेंगे तब जाकर के हम चाहे कर्मयोगी बन सकेंगे चाहे फिर जब भी जितना भी घंटा चाहे एक जगह पर बैठ करके हम योग लगा सकेंगे अन्यथा ये परचिंतन की बातें औरों के अवगुणों के बातें यही बातें माया के स्वरूप में आती है माया मतलब कोई राक्षस आकर के नहीं हिलाता लेकिन यही बातें आती है इसीलिए हमें कोशिश करके इससे भी बचना है ऐसे संग से बचना है ऐसे उसे किनारा करके चलना है बाबा कहते ना संग दोष बहुत बड़ा खराब है संग मतलब ये नहीं सोचना कि कोई हम ब्राह्मण परिवार में आए तो उस संघ से बच गए ब्राह्मण परिवार में भी जो आपको बाबा से योग टूटा तोड़ता है चाहे यज्ञ के प्रति भावनाएं गलत बिठाता है चाहे यज्ञ में रहने वालों के प्रति भावना खराब करता है वो भी कुछ संग है संग नहीं है इसीलिए ऐसे संग से हमें स्वयं को क्या करना है बचाना है नहीं तो हमारे अनमोल जो संगम युक्त दीन है इन्हीं बातों में बीतते जा रहे और जो आनंद लेना चाहिए वो नहीं ले रहे इसीलिए हमें इससे बचना है पहला बताया संघर्ष से बचे रहे दूसरा बताया पर आलोचना या जिसको कहते निंदा तीसरी बात चिंतन चौथी बात है योग अभ्यास में जो विघ्न आता है वो विघ्न है जो हम कुछ सेवा करते हैं उस सेवा का कभी कभी क्या होता है अभिमान आता है और इस अभिमान के कारण क्योंकि अभिमान आने से फिर मैंने किया मैं करता हूं मैपन आने के कारण फिर बाबा से क्या होता है जो बाबा की जो मदद मिलनी चाहिए जो उस सेवा में हल्के रहना चाहिए वो हल्के रहने के बजाय और भारीपन आता है और उसी सेवा का चिंतन चलता रहता है योग में भी बैठेंगे लेकिन उसी का चिंतन इसीलिए हम इससे भी बचे रहे करण कनावन हर बाबा करा रहे हैं जो भी मेरे से करा रहा है मैं एक इस्टिमेट हूं निमित्त मात्र वो एक साधन हूं लेकिन कराने वाला बाबा है जितना हम निमित्त भाव रखते हैं उतना हम अंतर्मुखी बन सकते हैं उतना बाबा की उस सेवा के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की टचिंग आपको अच्छी तरह मिल सकते हैं, उसमें आपको सफलता भी मिल सकते हैं नहीं तो कभी कभी ये सेवाई ब्राह्मणों के लिए विघन या टकराव का या अधोगति का कारण बन जाता है क्योंकि उसमें मयपन आता है इसीलिए हमें इस मयपन से भी क्या करना है बचना है बस सदा ही निमित्त और निर्माण बन करके रहना है निमित्त भाव जितना होगा जिसको बाबा ने तीन शब्दों में कहा कि निराकारी निर्विकारी निरहंकारी कर्मातीत के लिए तीन बातें निराकारी निर्विकारी निरहंकारी और जो है वो ऑटोमेटिकली वो योगी है ऑटोमेटिकली उसकी आत्मा आत्माभिमन स्थिति है नहीं तो कई बोलते हैं कि पता नहीं हम जब हमारी सोल कॉन्शियस स्थिति या आत्माभिमानी स्थिति रहती नहीं अगर आत्माभिमानी स्थिति नहीं है तो जरूर कुछ ना कुछ किए वे सेवा का अभिमान है अभिमान वाला कभी भी निराकारी स्थिति में अंतर्मुखी नहीं बैठ सकता तो इसीलिए निराकारी स्थिति बनाने बनाने के लिए निरांकारी अवस्था तो इसीलिए ये बहुत बड़ा विघ्न है पुरुषार्थ में मैपन आते आते हम सेवा करते करते बाबा से किनारा करते जा रहे समझो इसीलिए इससे भी बचना है यह है चौथा विघ्न पांचवा विघ्न है इच्छाए तृष्णाए इच्छाए भी एकाग्रचित अंतर्मुखी बनने नहीं देगी नहीं तो कई बोलते जब हम योग में बैठते पता नहीं कौन से कौन से संकल्प आते हैं पता नहीं हमने कभी सोचा ही नहीं था ऐसी ऐसी बातें आते हैं कहां से आएगी जैसे कोई परिवार में अगर कोई मां बाप है और उसी मां बाप को दस बारह बच्चे हैं और जब वो मां बाप शांति से बैठेंगे तो एक बच्चा आएगा कहेगा मम्मी मुझे कपड़े चाहिए दूसरा आएगा कहेगा पापा जी मुझे परीक्षा की फी देने परीक्षा की फी चाहिए तीसरा आएगा कहेगा मुझे थोड़ा किसी के पैसे देने वो चाहिए मना जितने बच्चे उतने अलग अलग समस्या है तो माँ बाप को शांति नहीं होगी जब वो मां बाप बैठेंगे जिसके ज्यादा बच्चे हैं जितने बच्चे ज्यादा उतनी समस्या भी ज्यादा इसीलिए लौकिक में भी एक कहावत बने ना छोटा परिवार सुखी परिवार अगर दो दो बच्चे हैं अगर उसकी अच्छी तरह पालना करेंगे इच्छाएं पूर्ण करेंगे तो माँ बाप भी शांति से बैठ सकते इसी तरह हमारा भी अलौकिक में हमारे कौन से बच्चे हैं इच्छाएं, तृष्णाएं ये बच्चे हैं। अगर इन्हीं बच्चों की बहुत उत्पत्ति करते हैं अनेक बच्चे इच्छाएं, अनेक तृष्णाएं अनेक मुझे ये करना है ऐसा करना है वैसा करना है कई इच्छाएं कई संकल्प विकल्प और जब शाम को योग में बैठेंगे वही इच्छा रूपी बच्चे आएंगे हिलाएंगे तुमको तो ये करना था तुम योग में बैठ गए उसको भगाते भगाते दूसरा आएगा क्योंकि तुम तो ये करना था तुम ऐसे बैठ गए तो जितने इच्छाएं ये संकल्प विकल्प होंगे ये परेशान करेंगे यही विघ्न रूप में आते हैं इसीलिए हमें अब कोई भी प्रकार की बाबा मिला सब कुछ मिला अभी मुझे कुछ भी इच्छाएं तृष्णाएं नहीं रखने जिसको कर, बाबा कहते हैं असोच बन जाओ कोई भी प्रकार की हमें इच्छाएं तृष्णाएं नहीं रखनी है कहीं को लगता है अरे हमारा क्या नसीब है देखो हमने कभी साउथ में गए नहीं हमने कभी साउथ का वो ये तो देखा ही नहीं कभी गोवा के साइड गए ही नहीं कभी दिल्ली देखी ही नहीं कई इच्छाएं रहती है तो इसीलिए हम कभी कभी अशांत बन जाते हैं अरे जिसने बाबा देखा उसने सब कुछ देखा अब मुझे कुछ भी ना पाने की कुछ देखने की कुछ सुनने की किसी ने महिमा करने की कोई इच्छा नहीं बाबा रोज हमारी कितनी महिमा कर रहे कई सोचते मुझे तो कोई सम्मान देता नहीं मुझे कोई पूछता नहीं जिसने बा, जिसको बाबा ने पूछा उसको कोई पूछे न पूछे क्या फर्क पड़ता है नहीं तो यही बातें क्या होते हैं हमें फिर संकल्प विकल्प रूप में भय बनाते हैं एकाग्रता को भंग करते हैं और जिससे हमारा योग नहीं लगता हम कहते हमने हम इतना सेवा करके आए और यहां तो हमको कोई किसी ने पूछा ही नहीं हाँ, हमने इतना ये इतना करते हैं लेकिन हमारा कभी नाम आता ही नहीं तो ये बातें हमें योग से विमुख बनाते हैं इसीलिए कहते हैं नेकी कर दरिया में डाल जो कुछ करते सब बाबा देख रहे बाबा सब इसका देने वाला कोई देहदारी देने वाला नहीं है तो इसीलिए हमें इच्छा रहित जितना रहेंगे उतना हम बहुत अच्छा योगी बन सकते हैं योग का अभ्यास कर सकते हैं इसीलिए हमें इच्छा रूपी बच्चों की उत्पत्ति नहीं करनी जिसको बाबा कहते हैं ब्रह्मचरी ब्रह्मचरी मतलब केवल स्थूल ब्रह्मचरी नहीं इच्छा तृष्णाए संकल्प विकल्प इससे भी हम ब्रह्मचरी रहे इसको कहते हैं संपूर्ण ब्रह्मचरी और जितना कहते हैं ना जो ज्यादा बच्चे पैदा करते वो शक्ति उनकी शक्ति भी नहीं होती वो मां बाप कमजोर बनते हैं इसी तरह जो ज्यादा सोचता है ज्यादा इच्छाई तृष्णाएं करता है वो आत्मा भी कमजोर बन जाए इसीलिए अगर शक्तिशाली बनना है तो क्या करना है संकल्प इच्छाई तृष्णाएं कम तब हम योगी बन सकते हैं और इन्हीं विघ्नों का कारण क्या बन जाता है ये जो विघ्न आते हैं चाहे संघर्ष वाले विघ्न चाहे आलोचना वाले विघ्न चाहे मैपन के विघन ये सभी विघ्न हमें पुरुषार्थ में अलसी बनाते हैं पुरुषार्थ क्योंकि योग लगता है नियोग योग में जब बैठेंगे तो यही बातें आएंगी तो फिर पुरुषार्थी हीन बन जाते हैं और जब पुरुषार्थी हीन बन जाते हैं अमृत वाला उठेंगे तो भी नींद करते करेंगे क्योंकि ये सब बातें बातों के कारण एक बोझ बन जाता है पर चिंतन पर दर्शन और जिसके कारण योग का आनंद नहीं आएगा फिर नियम पर भी चलेंगे लेकिन जबरदस्ती और या कभी कभी फिर नियम को भी तोड़ देंगे कहेंगे कोई बात नहीं आज का दिन अमृत वाला मिस हो गया उसका क्या हो गया आ, वो तो मेरे मा कमरे में एक माता जी रहती थी वो रोज ही नहीं उठती मैं तो एक दिन मिस किया आ? तो इसी तरह हम क्या करते फिर आलस और आलबेलापन के तकिया पर सो जाते और उसके बाद फिर क्या होता है जब संगमयुक्त आनंद नहीं लिया योग से आनंद नहीं लिया तब हमारे जो अंदर के जो संस्कार बैठे हैं चाहे काम या चाहे क्रोध तो वो आकर के संस्कार के रूप में हम कोई ना कोई गलत काम कर बैठते जिसको बाबा कहते फिर ये स्तूल जो माया है काम क्रोध वाली वो फिर आ जाते हैं और फिर और हताश हो जाते हैं अरे हम तो ज्ञान में तो चल रहे बाबा भी हमारे साथ में है कई तो एक भाई ने कहा कि हम तो कहते हैं भगवान हमारा साथी है अगर कोई व्यक्ति के साथ हम जा रहे हम कोई गलत काम करते तो वो तो रोक तो देगा लेकिन बाबा हमें क्यों नहीं रोकता इतना सर्वशक्ति है हम गलत कर रहे तो बाबा क्यों नहीं रोकता क्योंकि हम कई दिनों से बाबा से दूर हो जाते हैं उसी समय समझो कि अगर हम विघ्नों के वश हो गए विकारों के वश हो गए तो उसी समय ये गीत नहीं गा सक गा सकते कि भगवान हमारा साथी है क्योंकि माया क्या करते हैं संघर्ष से परचिंतन से टकराव से आलोचना से इन सभी बातों से काफी आपको बाबा से दूर लेके जाते हैं नियम मर्यादा से और फिर जाकर के अटैक करते हैं और जो कुछ हमने कमाया था मेहनत की थी वो सब की कमाई चट हो जाती और फिर योग लगाने के लिए फिर दोबारा बैठो तो मन भी नहीं लगेगा तो इसीलिए बाबा कहते इन सूक्ष्म बातों के ऊपर क्या करो ध्यान रखो इं? जिसको बाबा ने अभी कहा था अपना चार्ट लिखो दो शब्दों में ओके इसको कहते ओके आज सारा दिन हम ओके रहे हा? क्योंकि अभी बाबा ने ये होमवर्क दिया था अभी आएंगे बाबा पूछेंगे कि इसी पंद्रह एक मास में ओके रहे थे क्योंकि ये सब फिर अगर हमारे संघर्ष में हम आते हैं अगर हमारे अंदर सहन शक्ति नहीं है फिर क्या हो जाएगी दूसरे के लिए अशुभ भावना रहेगी उसको बदवाए देंगे और बदवाए देंगे तो फिर हमें भी बदवाए देंगे तो दूसरे की भी बदवाए मिलेगी या अशुभ भावना मिलेगी तो अशुभ भावना योगी बनने नहीं देगी इसीलिए हमें क्या करना है इस, अगर योग का अभ्यास करना है तो इन छोटी छोटी बातों के ऊपर क्या करना है अच्छी तरह ध्यान देना है आ? जो चार पांच बातें बताई वैसे तो इसका काफी विस्तार है लेकिन इन बातों से भी अगर हम बचे रहेंगे तो योग का बहुत अच्छा हम अभ्यास कर सकेंगे और जो हमारा लक्ष्य है कि कर्मातीत बन जाए बाप समान बन जाए वहां तक हम पहुंच सकेंगे इसीलिए इन छोटी छोटी बातों के ऊपर हमें क्या करना है ध्यान देना है और योग का अच्छी तरह आनंद लेकर के अपनी आत्मा को इन बंधनों से मुक्त करके कर्मातीत बना करके दिव्य गुणों से सज करके सत्यु के लिए तैयार होना है ठीक है ओम शांति